बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह हू अकबर। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय यूनाइटेड ऑटोज एंड थ्रॉटल द बाइकर्स कैफे। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज असलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक। सो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और काफी नीचे मुझे कमेंट्स आते थे कि यार निंजा इलाइट या सबसे सस्ता जो जिसकी प्राइस सबसे कम हो वो वाला हेलमेट लेकर आए लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। तो आज मैं स्टड्स में आपके लिए निंजा लाइट के दो वेरिएंट लेकर आया हूँ, उसके अलावा एक थंडर का मैं लेकर आया हूँ वेरिएंट। उसका पूरा नाम क्या है मैं बॉक्स जब अनबॉक्स करेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो निंजा इलाइट है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये इसका बॉक्स है पूरा जो कि ओरिजिनलिटी का आपको बताता है और ये मॉडल लिखे होते हैं ऊपर। यहाँ पर ये देखते हैं, ये आपका लिखा हुआ है निंजा इलाइट, ये सिंपल वाला मॉडल है, ठीक है। निंजा इलाइट में मैं दो लेकर आया हूँ, एक इसमें अभी दोनों ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंस दोनों में पता लगेगा। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आज इनका जो ये हेलमेट है निंजा इलाइट, काफ़ी लोग इसके परचेजिंग भी करते हैं। जो प्राइस है इसकी वो मैं आपको भी बताता हूँ। प्राइस इसकी सबसे कम है और रिजनेबल प्राइस है और ड्यूल ऑप्शंस के साथ है आपको। चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं। आज हम इसके दो तीन टेस्ट भी लेकर आने वाले हैं। एक तो आपके लिए वाटर टेस्ट होगा, दूसरा इसको हम हिट करके देखेंगे कि ये कितना मजबूत है और इसका जो फ्रंट पे जो वाइजर होता है वो कितना मजबूत है, ये चीज़ हम चेक करेंगे आज अपने इसी वीडियो के टेस्ट में। तो मेहरबानी करके वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जब आप स्किप करते हैं ना तो फिर आप नीचे पूछते हैं कि यार इसकी प्राइस क्या है, ये कितने का है। तो वीडियो में प्राइस अगर ना बताइए तो वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होता। ये देखिए हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है, बॉक्स इसका हम ये साइड पर रख देते हैं और ये बॉक्स इसमें आता है और बाकी सारा जो ओरिजिनलिटी मैंने आपको बताई हेलमेट देखने के बाद भी फिनिशिंग भी आपको पता लग जाएगी। ये देखिए फुल ब्लैक कलर में है ये हेलमेट, आप देखें। और ये हेलमेट यहाँ पर ही महदूद नहीं है, पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। ये देखिए DOT अप्रूव्ड है ये, यानी कि ये सर्टिफाइड होते हैं। बाकी इसमें जो मज़े की ऑप्शन आपके लिए ये है कि ये देखें, इसको आप हाफ भी कर सकते हैं और इसको आप फुल भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि यार निंजा इलाइट का जो हेलमेट है वो हमें चाहिए है और वो कितने का मिल जाएगा। तो काफ़ी मज़े की चीज़ है, मैं पहले भी अपना नॉर्मल स्टड्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले इसको हम पहन कर आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रिप है और बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका बैक साइड पे इसके जो ये एयरवेंट्स लगे हुए हैं बिल्कुल उस तरह लगे हैं जिस तरह स्टील बर्ड का लगा हुआ था एयरवेंट्स। बैक साइड पर उसकी जालियाँ लगी हुई थी तो स्टील बर्ड का जो आता है। और ये देखिए इसका वाइजर, अब इसको हम हाफ करके आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए ये ऐसे लॉक हो जाता है हाफ करके, आप इसको इसकी ये क्लिप लगा हुआ है इसको आप अपनी मर्जी से साइज एडजस्ट करके इसको लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इन केस खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले हेलमेट ही उछल के जो है वो दूर जाता है। अगर ये लॉक लगा होगा तो हेलमेट आपका सेफ रहेगा, आपको चोट नहीं आएगी। सबसे मज़े की चीज़ ये होती है, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये हाफ में कुछ इस तरह से होता है और आई थिंक हम इसका जो वाटर टेस्ट करेंगे इसको हाफ रख के भी चेक करेंगे कि इसका पानी कहाँ कहाँ तक गिरता है। इसको बंद करके भी चेक करेंगे कि अंदर पानी तो नहीं आता, या जब हम इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स प्राइस इसकी जो है काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। इसकी जो प्राइस है ये 3,800 रुपये का इसकी जो प्राइस आ रही है, आप ये देख सकते हैं। बड़ा बहुत ही मज़े का हेलमेट है और इसमें मतलब वेंट्स इसमें ये दिए हुए हैं। ये देखते हैं बैक से आपकी जो हवा बाहर निकलेगी ये चीज़, और जो फ्रंट से आपकी इंटर होगी हवा, ये ज़्यादातर आपको काम आते हैं गर्मियों में। आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ से आपकी जो हवा है वो अंदर इंटर होती है, आपकी जो हीट होती है सर की हीट होती है उसको लेकर के बैक साइड से आउट हो जाती है। अच्छा ये तो हो गया निंजा लाइट, इसकी मैंने आपको प्राइस भी बता दी 3,800 रुपये है। अभी तक हाफ हेलमेट और फुल हेलमेट का ऑप्शन भी है इसमें और अभी तक का जो सबसे कम प्राइस वाला हेलमेट यही है 3,800 रुपये। आगे का कोई पता नहीं कि कब ये इसकी प्राइस भी ऊपर हो जाए। तो इसी में मैं आपको एक और मॉडल भी दिखाता हूँ, ये आपका आगे निंजा लाइट D3 और काफ़ी मज़े की कलर कम्बिनेशन है इसकी, कोई शक नहीं। मैट कलर है ये, मैट ब्लैक कलर है, साथ आपका ब्लू और यानी कि आपकी जैकेट के साथ भी मैच हो गया। अगर आपके पास ब्लू जैकेट है तो आपके साथ मतलब ये अच्छा लगने वाला है। और बाकी जो साइज इसमें मैं आपको बता दूं, आप पुरानी वीडियो में भी मैं ये चीज़
नहीं कंफर्म कर सका था। तो जो इसका मैथ्स आ रहा है ना 1250 GR, यानी कि ये देख सकते हैं इसका ये साइज है, और ये साइज जो आता है ना ये आपने देख के लेना होता है आपका क्या मैथ्स आ रहा है। और ये जो है ना ये मीडियम में आता है, इससे बड़ा फिर आता है वो लार्ज होता है, और इससे फिर छोटा आता है वो स्मॉल होता है। आपने ये चीजें चेक करके लेनी है कि आपको स्मॉल सही आता है, लार्ज सही आता है, या फिर आपको जो मीडियम सही आता है। तो इसको भी हम अभी अनबॉक्स कर लिया हमने, और इसका भी वही चीज है, सारा कुछ हाफ भी हो जाता है सारा कुछ। और इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन 5,800 रुपये इसकी प्राइस है। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है सिर्फ और सिर्फ इसके ये एक तो अंदर से कुशन क्वालिटी उससे बेहतर है इसकी, और दूसरा ये कि मतलब काफी अच्छी चीज है। कलर कॉम्बिनेशन मैट ब्लैक होने की वजह से ये भी काफी अच्छा है। और मजे की बात ये है कि फ्रेंड्स इनमें ज्यादातर जो है ना, आप कहते हो यार हमने हेलमेट पहना है उसका वेट बहुत ज्यादा है, मतलब जब उतारते हैं तो सर में दर्द शुरू होती है, गर्दन में दर्द शुरू होती है, तो वो चीज नहीं है। स्टड्स के हेलमेट जितने भी आ रहे हैं ना उनका वेट इतना ज्यादा नहीं है, मैंने आपको अभी वेट बता भी दिया है, तो थोड़ा सा पीछे से भी देख लीजिए, सेम वही चीज है। ठीक है, ये इसके एयर वेंट्स दिए हुए हैं हवा निकालने के लिए, और फ्रंट के इसके ये हैं। अभी जो तीसरी चीज है ना वो बहुत मजे की है, लेकिन उसमें आपको हाफ वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसमें तो आपको हाफ वाली ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन उसमें आपको हाफ वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसको मैंने हाफ कर दिया तो ये देखिए ये हाफ भी हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब ये चीज होती है। तो जल्दी से आपका कीमती टाइम जाए कि फिर हम तीसरा हेलमेट ओपन कर लेते हैं, और जल्दी से अपने टेस्ट की तरफ भी जाएंगे, जो कि हमारे इस वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। ये हमने पहले से ही खोल के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती टाइम जाया ना हो, और जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बॉक्स हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा तीसरा हेलमेट, बहुत मजे की चीज है। और ये वो हेलमेट्स नहीं है जो कि मतलब अभी जो स्टील बर्ड्स की जो नई प्राइस आ रही है ना SBA 2 और SBA 3, उसकी जो नई प्राइस आ रही है वो तकरीबन 12-12 हज़ार रुपये के करीब है। तो इस वजह से जितने भी मतलब इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना हाथ रोका हुआ उसकी परचेजिंग से, क्योंकि इतना महंगा हेलमेट जो है बहुत कम लोग परचेज करते हैं। चीज़ तो अच्छी है लेकिन स्टड्स भी पीछे नहीं है, काफी सॉफ्ट कुशनिंग है इसकी, और ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ग्लास इसका ये वाला है, ये जो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका जो वाइजर है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये नाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन गर्मियों में धूप में अगर आप इसको चलाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। नाइट विजन इसका थोड़ा सा हो सकता है, रात को आपको ये वाइजर उठाकर चलाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं है, अगर आप नीचे कर लेते हैं तो इतना मसला नहीं है। लेकिन जिनकी नज़र थोड़ी सी वीक होती है उनके लिए थोड़ा सा मसला बन सकता है। और ये हाफ नहीं होता, ये फुल रहता है, और बहुत ही मज़े की चीज़ है, और बहुत प्यारा हेलमेट है। ये देख सकते हैं बहुत प्यारी डिजाइनिंग है इसकी, ये भी DOT अप्रूव्ड है, और इसका जो है इसका थोड़ा सा वजन ज्यादा है, 1350 इसका ग्राम जो इसका वजन आ रहा है। और ये देख सकते हैं इसका जो मॉडल है ये स्टड्स थंडर के नाम से है, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 5,500 रुपये इसकी प्राइस है। अभी इसमें आप ऑप्शंस देख लीजिए कि ये इसमें एयर वेंट्स के ऑप्शंस आपको यहाँ से ऊपर से भी मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको बैक साइड पर वही स्टील बर्ड की तरह जाली नुमा आपको एयर वेंट्स इसके मिल जाते हैं। तो ये फ्रंट पर भी इसका एक एयर वेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप फ्रंट से हवा को एंटर नहीं करना चाहते तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, तो ये इसका फ्रंट का एयर वेंट ऑफ हो चुका है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे कर दीजिए, तो आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। हेलमेट बहुत प्यारा है, ब्लैक एंड व्हाइट कम्बिनेशन के साथ है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, कुशनिंग बहुत अच्छी है। तो अंदर से भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी, इसकी सॉफ्ट कुशनिंग है, उनकी भी अच्छी थी काफ़ी थी, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे आई थिंक इसका जो मैच स्टोरेज है इसकी वजह से शायद मुझे ये थोड़ा सा मतलब माइनर सा ढीला है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल टाइट थे। तो थोड़े से अंदर से उनकी भी कुशनिंग आपको दिखा देता हूँ। प्राइस इसकी जो थंडर है इसकी मैंने आपको प्राइस बताई है 5,500 रुपये, और जो इसमें अच्छे वाला मतलब इसमें जो कलर कम्बिनेशन है ये निंजा इलाइट सबसे सस्ता वाला ये है, इसे मैं आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ, इसका अंदर रोशनी नहीं पड़ रही। ये देखिए इसकी कुशनिंग वगैरह, ये अंदर देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ठीक हो गया।
और इसकी जो प्राइस है ये है 3,800 रुपये। डिलीवरी चार्जेस के अलावा डिलीवरी चार्जेस अलग से आपको पे करने पड़ेंगे, वो कितने होते हैं क्या नहीं होते हैं। हेलमेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब कम से कम आइडिया जो है इसका वेट ज़रा ज़्यादा होता है हेलमेट का, और बॉक्स बड़ा होता है, जिसकी वजह से 300 से 400 रुपये डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर पाकिस्तान में हमें पड़ जाते हैं इसके ऊपर, तो वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। ये हेलमेट है और हाफ भी होता है, बाकी आपने कुछ नहीं वगैरह भी देखी। तो जो तीसरा मैंने आपको दिखाया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अभी हमने इसका टेस्ट भी करना है। ये तीसरा मैंने आपको दिखाया, इसकी जो प्राइस है ये थोड़ा महंगा है, 5,800 रुपये इसकी प्राइस है। हाफ भी हो जाता है, फुल भी हो जाता है, और इसका जो मॉडल है निंजा इलाइट D3 के नाम से, आपने ये याद रखना। जब भी आपने ऑर्डर करना है तो आपने बताना जरूर है कि D3 चाहिए, निंजा इलाइट सिंपल वाला चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं अपने वाटर टेस्ट की तरफ, और आज हम इसको हीट करके भी चेक करेंगे कि इसमें कितनी मजबूती है। तो चलिए चलते हैं आपका कीमती टाइम जाएगा अपने वाटर टेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हम आ चुके हैं अपने वॉशरूम में, और इसको हम अभी ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं आपके सामने वाटर के लिए हमने इसको रख दिया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर पानी गिराएंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर पानी जाता है कि नहीं। इससे पहले आपने ये वाला टेस्ट नहीं देखा होगा, ये आपके सामने फुल एंड इसको पानी के अंदर हमने रख दिया है अभी। मतलब ये टेस्ट आपके लिए करके इसलिए दिखाया जा रहा है कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके हेलमेट्स जो हैं वो अंदर तक पानी चला जाता है, तो ये वाटरप्रूफ टेस्ट आपके लिए करके दिखाया जा रहा है। अब ये तो हो गया इसका फुल में वाटर टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं इसके अंदर पानी गया है कि नहीं गया। तो आप ये देख सकते हैं जैसा कि ये जो पानी है यहाँ तक ही रहा है, और अंदर से देख लीजिए बिल्कुल हेलमेट खुश्क है। तो अभी हम इसको हाफ करते हैं, और हाफ करके इसको वाटर खोलते हैं इसका, तो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है इसका। ये भी हाफ खुला हुआ ये देखते हैं, तो अभी हम वाटर ऑन करते हैं। वाटर बंद, पानी हमने बंद कर दिया है। अभी देखते हैं कि अंदर पानी कितना गया है कुशन में। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप इसको बारिश में यूज़ करेंगे तो यहाँ यहाँ तक आपके कुशन में पानी आएगा, मतलब ओपन में ये देख सकते हैं। अगर बारिश में चलाना ना आपने, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इसको आप बंद करके चलाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स ये वही गीला हेलमेट है, और इसको मैं पहन के भी चेक करूँगा कि यार इसका पानी कहाँ तक गया, ताकि मैं आपको ये चीज़ बताने में मतलब क्लियर हो जाऊं कितना गीला हुआ। हाँ तो मेरे जो ये वाला जो है ना फॉर्म, ये गीला है अंदर से, कोई गीलापन नहीं है, ठीक है। इसको हम सुखा भी लेंगे बाद में, कभी धूप में रख वगैरह के ओके कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसका जो टेस्ट करने वाले हैं वो आई थिंक किसी भी यूट्यूबर ने भी इसको किया नहीं होगा। ये लॉक हो चुका है, ठीक है, और ये इसका पेपर हम उतार देते हैं। ये इसका पेपर हमने उतार दिया, और ये मैंने नीचे से लॉक कर लिया। अभी जो टेस्ट देखें, मतलब ये आपके सामने इतनी जोर जोर से टक्कर मार दिए, और साइड थोड़ी सी साइड चेंज करके भी चेक कर लेते हैं। आवाज तो आपको आ रही होगी फ्रेंड्स, मेरा सर तो घूम गया, लेकिन इस हेलमेट को अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा हम इसको हाथ से भी आपको चेक करवाते हैं। देखिए इधर रखिए कैमरा, लॉक खुला है सिर्फ, इधर आए जरा करीब करीब आए। ये देखिए हेलमेट के ब्लैक निशान इसके ऊपर आ गए, लेकिन हेलमेट को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और वाइजर टेस्ट करते हैं, कोई स्टिक पड़ी है आपके पास? स्टिक वगैरह नहीं पड़ी, चलें वाइजर टेस्ट हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए ये सोफा है, जरा करीब आ जाइए, ये सोफा है, ठीक है। इस पे मैं सिर्फ सिर्फ वाइजर मारूंगा, ताकि इसका वाइजर भी टेस्ट हो। यार ये सारा हेलमेट तो 3,800 रुपये का हेलमेट है, आपको कितना सेफ रखता है ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए अभी मैं वाइजर मारूंगा इसके ऊपर, ये वाइजर देखें कुछ भी नहीं हुआ वाइजर को, ठीक है।
दोबारा आपके सामने मैं अपनी पूरी पूरी पावर लगा रहा हूँ और ऐसी जगह से इसको पकड़ रहा हूँ कि मुझे ना लगे। ये लॉक कर दिया मैंने। अच्छा जी, वाइजर निकल गया है, ये देखिए वाइजर इसका लॉक में से निकल गया है, लेकिन वाइजर का वो चकनाचूर वाला हिसाब नहीं हुआ। अब ज्यादा इजी होगा कि हम वाइजर को आपको मार के चेक करवाते हैं। वाइजर उठ के वो हो गया। अब वाइजर को थोड़ा सा हम एक और टेस्ट करते हैं। ये हमने वाइजर नीचे रखा, ये ऊपर हम वाइजर के आ गए हुए। नीचे जरा क्लोज करें ना, जरा पता लगे वहां को। ये देखिए मैंने अपना पूरा वजन डाला हुआ वाइजर के ऊपर, और आई थिंक यूट्यूब में ऐसा टेस्ट आपको अभी तक किसी ने नहीं करके दिखाया होगा। चलिए ये तो वाइजर टेस्ट हो गया, वाइजर को हम साइड में रख देते हैं, जरा बाहर आ जाएं, थोड़ा सा हेलमेट का और मार लेते हैं। वही इसका मतलब जो हमने दीवार में मारा था, ये थोड़ा सा निशान जो कलर इसका ड्रॉप हुआ है यहाँ से बस, बाकी हम इसको आपके सामने, ये देखिए 3800 का हेलमेट है, ये आपके लिए मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। ठीक हो गया, और आई थिंक मैंने उठाकर मारा हेलमेट, जिसकी वजह से इसकी ये सिर्फ जो ऊपर पट्टी आ रही है स्टड्स की, ये ओपन हुई है। तो एक बार नहीं, आपके इस टेस्ट की वजह से हम इसको 3-4 बार उठा के मारेंगे और पूरा का पूरा टेस्ट प्रॉपर करेंगे। काफी अच्छी आवाज है। ये देखिए सिर्फ ये इसकी पट्टी उतरी है, और अभी 2 बार हुआ है, तीसरी बार हम भी इसको मारेंगे उठाकर, और फिर देखेंगे कि इसकी क्या चीज खराब होती है। ये लॉक इसका जो है वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला है, बाद में सेट वेट हो जाता है, लेकिन जब इसको ये सारे टेस्ट करने के बाद आई थिंक इसको हाफ ही यूज कर सकेंगे, यूज करने के काबिल नहीं रहेगा ये। तो बस आखिरी टाइम और वीडियो एंडिंग करते हैं हम, और अपनी पूरी ताकत लेकर इसको मैं उठाकर मारूंगा, और बस लास्ट टाइम बस यही इसकी वारंटी होती है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह हू अकबर। हेलमेट की तरफ मारे ना कैमरा, ये देखें, ये इसका हाल है, मतलब ये कुशन अपनी जगह से हिले, ये बटन दोबारा वापस भी लग जाते हैं, और हेलमेट जहां पर हेलमेट को टूटना चाहिए था, आपके सामने मैंने पूरी पावर से इसको जमीन पर मारा, और ये हेलमेट अपनी जगह से मतलब हिला नहीं, मतलब कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दीवार में मैंने इसको पहन कर सर मारा, मेरा सर तो थोड़ा सा घुमा था, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमारा हेलमेट टेस्ट था आज। आई थिंक इस तरह का वाटर टेस्ट, इस तरह का ड्रॉप टेस्ट और इस तरह का टकरों वाला टेस्ट अभी तक यूट्यूब पे किसी ने किया नहीं था। बाकी ऊपर छत से गिरा देना या कोई और इसका टेस्ट करके दिखाना, तो वो आई थिंक टेस्ट बनता नहीं है वो, इस वजह से क्योंकि हेलमेट पहन के हमने छत से नहीं गिरना होता, हेलमेट पहन के हमने इसी तरह या तो ज़मीन पर गिरना है या फिर दीवार में हमने लगना है। तो आज का बस टेस्ट यही था। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना नीचे। लास्ट में आपका हौसला सलाना मतलब से ज़्यादा चाहेगा इस बार साथ के, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।